सुरा सुरा पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेष पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तो वाचि में सदा सरस्वती नृत्य तो वाचि में सदा प्रिय शिक्षार्थियों एन आई ओ एस के स्टूडियो में आपका पुनः स्वागत मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचार्य वेद विभाग श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी उड़ीसा से आप सबके मध्य उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययनम पाठ्यक्रमांतर्गत छब्बीसवा पाठ जो संवार सूक्तम के नाम से है उसके भाग तीन के अध्ययन के लिए प्रस्तुत हूँ इस पाठ में हम संवार सूक्त के आठ से ग्यारह मंत्रों तक का अध्ययन करेंगे आठवां मंत्र इस प्रकार है एह गमन ऋषय सो मषिता अस्याो अंगि नवग्वाहा त एतमूर्व विभयत नामथई तण यो वम वमनित एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ एह गृषय सो अयास यो अंगि न वग्वाहातमूर्व विभयत गो नामथई तद्वजो वमन यह संहिता पाठ आठवें मंत्र का किया गया अब पद पाठ किया जा रहा है आ इह गामन्न ऋषय सोमशिता अयास्य अंगिस नवग्वाह ते एतम् पूर्व विभयत गोना अथ एतत वच पणया वमन्न इत यह पदपाठ पूर्ण हुआ अब मंत्र के सरलार्थ का विचार करते हुए शर्मा कथयति कत, सोमपानेन प्रमत्ता अंगिसा नवगुणाश्च अत्र अगत गाँ बता सकाशा मोचयि नेश्ये प्रणय एषा दर्पोक्ति परतज्या भविष्य तदा असमर्थः इति असमर्थ इस मंत्र में शर्मा कहती है पणि के प्रति कि सोम पी करके सोमपान के द्वारा जो प्रमत्त रहता है और जो अंगिरस हैं नवगुण से संपन्न हैं वह नव नव गुणों से संपन्न है वे वे सभी यहाँ आ के और आपने जो गुवें रखी हैं अपने पास इन सभी गुओं को आपसे दूर आपसे मुक्त करा करके ले जाएंगे अतः हे पणि उस समय आपकी यह जो अहंकार वाली वार्ता है दर्प है यह छूट जाएगा आप अहंकार आपका विनष्ट हो जाएगा उस समय आप कुछ भी करने में असमर्थ रहेंगे इंद्र से आपका युद्ध विजयश्री आपको प्रदान नहीं करेगा अतएव आप सद्या मुझे गौ प्रदान करें ऐसी चर्चा इस मंत्र में शर्मा करती है अग्रिम मंत्र है एवाच झगन्थ प्रबाधिता सहसा दैव्य नसारम ताणवई माँ पुनर्गा अपे गवासुभगे भजाम पुनः एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ एवा सा सरम आ जगन्थ प्रबाधिता सहसा दिन स्वसारम वा कृण वैमा पुनर्गापते गवाम सुभगे भजाम यहा संहिता पूर्ण हुआ अब पद पाठ किया जाएगा चं सर मे प्रभादिता प्रबाधिता सहसा द स्वसारमत्वा कृणवई मा पुनः गाहा अपाते गवाम सुबगे भजामः यह पद पाठ संपन्न हुआ अब इस मंत्र का सरलार्थ बताते हैं पणिगणः प्रत्युत्तरति हे सरमे देवाः मत्तः भीतिं आशङ्क्य भवतिं अत्र प्रेषितवन्तः एतदर्थमेव भवति अत्र आगतवती अस्ति भवति अस्माकं भगिनी स्वरूपा अस्ति भवति इदानीं न प्रतिगच्छतु यावत्ल शक्यम अत्र निवसतु अस्माक गोधन से भागम भी स्वीको पणिगण शर्मा को लोभ के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं कि हे शर्मे देवतागण हमसे डर करके मुझसे भीत हो करके मुझसे भीति की आशंका करके आपको यहाँ मेरे पास भेजे हैं इसलिए आप यहाँ पर आई हैं और आप तो मेरी भगिनी स्वरूपा बहन स्वरूपा हैं आपकी द्वारा यहाँ से न जाएं मेरी बहन के समान आप हैं आप मेरे ही घर में रहें भवती इदानीम न प्रतिगच्छतु आप इस समय वापस इंद्रलोक में न जाएं आपकी जब तक इच्छा हो यावत कालम शक्यम जब तक आप रह सकें तब तक यहीं पर रहें और हमारे गोधन का भाग भी आपके लिए प्रदान किया जाएगा आप अपने गोधन का भाग भी स्वीकार करते रहें यहीं रहें ऐसा लोभा कृष्ण वचन पणिगण शर्मा के प्रति बोले अग्रिम मंत्र है नाम वेद भ्रातृत्व नो स्वृत्व्रो विधुरंगि रसोरा गो काम अछद्ययत इतपणवरीय एक बार मैं मंत्र का पाठ करता हूँ ना वेद भ्रातृत्व नो स्वृत्विंद्रो विदुरसोरा गो का मा मे अयछद्ययम पात यह मूल मंत्र हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार किया जाता है न अहम वेद भ्रातृत्व नसम इंद्र विदु अंगिशस चोरा गो, गो काम मे अच्छयन यत आयम अप अतः इत प्रणय वरीय ऐसा पदपाठ इसका किया जा गया अब सरलार्थ की चर्चा हम सभी करते हैं शर्मा कहती है अहम भ्रातृभगिनी कथा न अवग्छा आप जो मुझसे वहन का संबंध स्थापित कर रहे हैं मैं ऐसा कोई संबंध नहीं समझ पा रही हूँ इंद्र उतना पराक्रमी है इंद्र हा तथा पराक्रमिण अंगिरो वंशीया जानती यद गवाम प्राप्त रक्षापूर्वक ते माम अत्र प्रेषितवंत इंद्र और पराक्रमी अंगिरा ऋषि के जो वंशज हैं वे सभी जानते हुए मुझे गौ आपसे पाने के लिए रक्षापूर्वक वो मुझे भेजे हैं मेरे संरक्षण का दायित्व उन अंगिराओं को है उन इंद्र को भी है वे दोनों वे सब जानते हैं मुझे और मेरी रक्षा पूर्वक मुझे आपके पास गौ प्राप्ति के लिए भेजे हैं अहम तेषाम आश्रय भजमाना अत्र आगतवती मैं उनका आश्रय लेते हुए यहाँ तक आई हूँ अतः हे प्रणय कथयाम यत इतः बहुदूरम ग्छत भगवत मैं आपसे पुनः बार बार कहती हूँ कि आप यहाँ से अत्यंत दूर देश में चले जाएँ अन्यथा इंद्र के द्वारा आपका सर्वनाश निश्चित किया जाएगा अग्रिम मंत्र है दूरमितरी यौद्गाव यंतु मिनती ऋतेन बृहस्पति अविंदगूढ़ा सोमो ग्रवाण ऋषय पुनर एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ दूरमितपण यो वरी यौदावो यंत मिनती ऋतेन बृहस्पति अविंदूढ़ सोमो ऋषयश्च ऋषय यह संहिता पाठ किया गया इसका पद पाठ अग्रेसर है दूरम इत पणय वरीय उत गाव यंतु मिनती ऋतेन बृहस्पति या अविंदत निगूढ़ा सोम ग्रावान ऋषय च विप्रा हा। ऐसा पद पाठ इस मंत्र का किया जाता है मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है शर्मा पुनः कहती है इस मंत्र के अनसार कि हे पणय इत दूरदेश गत गाव क्लेश प्राप्व युष्मा अपहृता गाव कस्ुप्तस्थने सी इंद्र बृहस्पति सोमेन अविषवकारिण ग्रावण ऋषय अंगिसाव अर्थाए ये अनम आगम्यूरदेश पलायंत कहते हे पणिगण आप यहाँ से दूर चले जाएँ गाव गौ जो हैं आपके संरक्षण में कष्ट प्राप्त कर रही हैं और आप लोगों के द्वारा चोरी की गई जो गौएँ हैं वो कहाँ छिपा के रखे गए हैं यह सब इंद्र जानता है बृहस्पति भी जानते हैं सोम जिस पाषाण खंडों में पीसा जाता है सोम को रस निकालने वाले जो ग्रावाण हैं पाषाण खंड हैं पत्थर के खंड हैं वे भी आपके द्वारा चोरी कर गुप्त स्थान में रखी हुई गऊओं के बारे में जानते हैं ऋषि अंगिरा भी आपके इस कर्म को और गुप्त स्थान को जानते हैं अर्थात वे जानते हैं और नून शीघ्र ही वे सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे और गऊ को ले जाएंगे उस समय आपका सर्वनाश भी होगा अतः आप यहाँ से अत्यंत दूर अवस्था में दूर स्थान में चले जाएँ इस प्रकार शर्मा परिसंवाद के ग्यारह मंत्रों का अध्ययन यहाँ पूर्ण होता है आप सभी को पुनः धन्यवाद